गलतियां करती थी। और ये चित कर दिया है बहुत अच्छे सवाल। चले अगले पहलवान, ये जल्दी से तैयार हो, ऐसा नहीं है अगर हमारी रुक जाती है खाली हो रहा है। कृपया जितनी बहुत रिक्त है वो जल्दी से अखाड़े में आए और अपनी कुश्ती लड़े। पहलवानों से अनुरोध रहेगा कि वो जल्दी से तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से रेडी हो जाए ताकि विधान जो है वो खाली ना रह सके। अनुरोध रहेगा कि अखाड़ा खाली ना रखे। अखाड़ा खाली रखने से लोगों का मनोरंजन टूटता है, तो प्लीज अखाड़ा खाली ना करें। शहर वालों से भी अनुरोध रहेगा कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। आज की गरीब वाली 41,000 और पेटी वाली 21,000 बड़े पहलवान को बदल जो है जितना पहलवान होगा उससे भी जाएगी। और इसी बीच नाम बोलते हैं वो किधर हो गए हैं, दो ही कुश्तियां बाकी है। काफी देर से कुश्ती चलती हुई दोनों ओर बुलाते थे। Thank you.
अच्छे लगी ये रोते। जल्दी से जल्दी पास रोड की जो ये आखिरी कुश्ती है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, जल्दी करो। करोड़ों बसर जो है वो जीत गए हैं, किसी बस दोनों के हाथ में चोट लग गई है। की कुश्तियां जो है अभी स्टार्ट की जाएगी। जो हारे हुए पहलवान है कृपया करके अपने कपड़े बस्तर पहन ले। जल्दी से जल्दी अखाड़े के बीच में कुश्ती आराम से लड़े, किसी भी पहलवान को किसी तरह की चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर पहलवान को चोट लग जाती है तो उनका पूरे का पूरा सीजन खराब हो जाता है। इसलिए आप हर रोज अंदर लड़ते हैं, डेली आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो खेल को खेल की भावना से खेलें, किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें। जिसका नाम बोला जा रहा है कृपया करके वो कुश्ती के लिए तैयार हो जाए। एक बार कुश्ती के लिए तैयार रहेंगे पीजे जोनता रवि कुमार सुनीला। इसके बाद जबरदस्त मुकाबले चलते हुए कृपया करके पहलवान ध्यान दे। अखाड़े के अंदर ही दूसरे पहलवान को जीत करे। Thank you.
आपके बहुत अच्छे अनुभव में करते हुए अजय गोली और उसके प्रतिद्वंदी के बीच अजय और चक्कू के बीच भी अच्छा मुकाबला करता हुआ धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती हुई रेफरी का जो डिसीजन होगा तो ही अंतिम होगा। ध्यान दे बड़े जोरदार तरीके से चलती हुई कुश्ती बड़े आराम से देखें पहलवान भाई भी आराम से कुश्ती करें किसी को चोट पहुंचाने की बदले की भावना से ना खेलें खेल की भावना से खेलें। बड़ी अनुभव में करते हुए अगली कुश्ती के लिए कारू मंगलेराज सुरेंद्र नूरपुर हमारे कारू मंगलेराज सुरेंद्र नूरपुर कारू मंगलेराज कारू मंगलेराज कहाँ गई अखाड़ा पड़े कारू मंगलेराज अखाड़े में आवा सुरेंद्र नूरपुर मुकाबले करते हैं आशा करते हैं कि लोगों को बहुत मजा आया होगा आपके इस नंबर आपको और उसके प्रतिद्वंदी के भी जो जीतेगा तो थर्ड राउंड हो जाएगा शानदार मुकाबले चलते हुए संयम रखिए कुश्ती आर पार की होगी कुश्ती आर पार की होगी घबराए नहीं छोटी छोटी बात पे शोर ना करें अनुशासन को खराब ना करें दंगल चल रहा है अभी कुश्ती बराबर की है कांटे की बराबरी है कुश्ती है इसलिए पूरी चित कुश्ती ली जाएगी कांटे का मुकाबले चलते हुए बहुत बढ़िया था आपकी जो चित कर दिया है रवि कुमार तुमेरा विजय चौंटा शुरू करे कुश्ती और ये कारू मंगलेरा वाली कुश्ती कहां गई हुई कारू गुरजी मत करो ना देश गुरजी मत करो ना अगली कुश्तियों के लिए
रंजीत चेंड के विनोद बुलेरा, रंजीत चेंड के विनोद बुलेरा, महेंद्र सिंह, सीनियर मैनेजर सिविल रूप सिंह, सीनियर मैनेजर फाइनेंस रमेश शर्मा, मैनेजर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि अपनी इतनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ये अपनी पूरी टीम को लेकर हमारे इस मेला में ग्राउंड में पधारे हैं, हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए और उन्हें इनामात देने के लिए मैं आप सबका यहाँ पर पहुँचने के लिए अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक आज के मुख्य अतिथि को शॉल टॉपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे पंचायत के उप प्रधान श्री राजकुमार जी से कि हमारे बीच में पहुंचे हुए प्रबंधक महाप्रबंधक बिट उनको भी पुष्प गुच्छ पीछे जो है सांत्री से उसका लड़का स्टेज पर है, कृपया करके वो अपने बच्चे को ले जाए, धन्यवाद। सभी आदरणीय महिलाएं, प्यारे बच्चों और खेल मेला कमेटी के सदस्यगण एवं उपस्थित दर्शक, आज यहाँ माता लक्ष्मीदाता जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप हम आपके खेल मेला का आयोजन किया है, जिसके लिए आप सबको लाख लाख बधाइयां। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये जो मेला किया जाता है ये चंपा जिला की आन बान और शान के प्रतीक है, और इस मेले के दौरान कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कई तरह के आयोजन हुए। सिंध का मतलब लोकल भाषा में है दंगल, एक दंगल पर फिल्म भी बनी थी, ऐसा नहीं एक पहलवान बनता है इतनी आसानी से नहीं बन जाता, इसमें बहुत मेहनत जाती है और एक कंट्रोल एग्रेशन जीतने की भावना और स्पोर्ट्समैनशिप के गुणों का विकास होता है, इवन इवन हमारी मानसिक योग्यता भी बढ़ती है, जो न्यूरॉन इस मेले के आयोजन में सदस्यों ने जो प्रबंधन किया है बहुत सराहनीय है। आज लगता है जैसे बारिश का मौसम बना हुआ इंद्रधनुष यहीं टिके मुझे धरती पर ना कि आसमान पे, इतने रंग बिरंगे लोग जो यहाँ बैठे हैं जब नीचे आ गया है थोड़ा शिष्य के बाहर रस बड़ा जी रस दादा नानू तेरे च खाना है समड़े होना मेला है हां समड़े होना है ये बढ़िया है।
ਪਹਿਲੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਈ ਬਸ ਆਣੀ ਨੀ।